मैं 65 केजी में खेलता हूँ। और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने अभी धरना चल रहा था, अब धरने में थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ, और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं करे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ हमें, सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पुनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था, और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी, हमने 5-5 कुश्तियां लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें नहीं तो ये ट्रायल, कम से कम ट्रायल तो न, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। हमें ये जो जनता है, जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी, हम सभी से अपील करते हैं हमारी सपोर्ट में आओ, नहीं हम धरना भी देंगे। हमारे घर वाले भी हैं, वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह, और हम नहीं, इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे अगर हमारी ट्रायल लो। हमारा पहलवानी का फायदा क्या है, हमें 15-15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाए कहाँ फिर, इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी। तो लेकिन विशाल कितना गलत है, क्योंकि आप लोग जैसे बताया आप मेहनत भी कर रहे हो, और उनको सीधा, हालांकि आप ये बात भी सही कि बच्चों ने पिछले एक डेढ़ साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, वही गणेश ने भी एक डेढ़ साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला और डायरेक्ट उनको एशियन गेम्स की फ्लाइट की टिकट पकड़ दी है। तो अब ये है, और भी तो बच्चे हैं जैसे रवि दहिया है, ये इनका भी ओलंपिक में मेडल है, और दीपक पुनिया भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, इनका नहीं डाला, इन दो का ही क्यों डाल दिया 53 और 65 में क्यों डाला को। तो अब ये तो धरने का मतलब तो यही था, अपना नाम गिरवा गए, तो अभी और बच्चे 65 वाले कहाँ जाएं। और 3 दिन बाद ट्रायल है, आपको लग रहा है कि वो तो अनफेयर ट्रायल होगा, इस तरह आपकी मेहनत धरी की धरी रहेगी। ऐसे कर रखे है जैसे फर्स्ट ट्रायल तो होंगी 65 की, पर वो दे रखे ना, जब बजरंग मना करे कि मैं एशियन गेम्स में नहीं जा रहा तब दूसरे वाले का नंबर आ सकता है। तो इसका जिस दिन ट्रायल होंगी उस दिन मैट पे प्रदर्शन करेंगे हम, वहीं पे मैट पे धरना देंगे तभी कुछ होगा। तो कोर्ट जा रहे हो, धरना भी देंगे क्या? कोर्ट में भी केस कर रखा है 65 ऑलरेडी, इसका केस कर रखा है, अब जो जज जो साहब वो सुनाएंगे फैसला उसी को। अगर उससे बात नहीं बनती है तो क्या आप लोग भी धरने पे बैठोगे? धरने पे तो बैठना ही पड़ेगा सर, फिर तो और क्या रास्ता ही कोई बचा नहीं फिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।